गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ दो माता पिता की सेवा नामक पाठ से मैं आपको फिर से बताऊंगी, रिवीजन लेंगे हम। पाठ दो का नाम है माता पिता की सेवा। तो इस चैप्टर में आप हमने बताया था कि ये श्रवण कुमार की कहानी है और आप श्रवण कुमार के बारे में जानते होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रवण कुमार जो थे उनके माता पिता जन्म से अंधे थे और वे और श्रवण उनका इकलौता बेटा था। एक दिन की बात है, एक बार की बात है, वो श्रवण कुमार जो है वो अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे अपने पिता के, और उनके गांव से कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तो उनके पिता ने कहा कि काश हमारी भी आँखें होती तो हम भी तीर्थ यात्रा को जाते। उनके पिता ने बोला कि अगर हमारी भी आँखें होती तो हम भी जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाते हम भी। तो श्रवण कुमार ने कहा कि तो उनकी माता ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारा बेटा ही हमारी आँखें हैं। तो ये सब वार्तालाप जो है वो श्रवण कुमार सुन रहे थे तो उन्हें बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको तीर्थ यात्रा पे ले चलेंगे। तो उस दिन वो वहाँ से उठा और बढ़ई के पास गया सीधा, और बढ़ई से हालचाल हुआ। फिर बढ़ई ने कहा, क्या बेटा बहुत दिन बाद आए, कोई काम है? तो उसने कहा, हाँ मेरे लिए एक कांवर बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस कांवर का क्या करोगे तुम? तो श्रवण कुमार ने कहा कि इस कांवर को मैं बस आप कांवर बना दीजिए, क्या करूँगा इसको मैं बाद में बताऊँगा। तो बढ़ई ने कहा ठीक है। तो बढ़ई ने कांवर बना दिया, फिर वो घर चला आया। फिर नियत समय पे वो शाम को कांवर लेने पहुँचा। फिर उसने कहा कि मैं माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ। तो कांवर ले करके घर पे आया और अपने माता पिता को पूरी बात बताई। तो माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा इतना आसान नहीं होता, रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन फिर भी श्रवण कुमार नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मैंने एक बार ठान लिया है तो मैं आपको लेके जाऊँगा। तो उसने तो उसकी जिद के आगे माता पिता को हार नहीं पड़ा। तो जब वो अपने माता पिता को कांवर में बैठा करके और तीर्थ यात्रा के लिए निकला तो पूरे गाँव के लोग उसको दुआएँ देने लगे। कि इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा उसको आशीर्वाद दे रहे थे। जो भी देखता वो मन ही मन उसको बहुत खुश हो जाता और उसको दुआएं देता कि तुम्हारी कि इतना होनहार बालक है और अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा है। ऐसे बालक आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। तो जो भी देखता वो बड़े तहे दिल से उसको आशीर्वाद देता। फिर श्रवण कुमार दिन भर फिर वो कांवर पे माता पिता को साथ में बैठा करके निकला तीर्थ यात्रा के लिए। चलते चलते जंगल, पहाड़ और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, सुख दुख हर चीज़, हर तरीके के। तो दिन भर वो चलता, रात को कहीं पेड़ के नीचे या कहीं जंगल में कहीं वो थोड़ा आराम करता, या दिन में थोड़ी देर कहीं आराम करता। दिन भर वो यात्रा करता, रात में कहीं आराम करता, या कभी कभी रात में चलता, दिन में आराम करता। तो इस तरीके से वो चलते चलते एक बार वो श्रवण कुमार थे वो चलते चलते जो है एक नदी पे पहुँचे, एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी हुई है। तो श्रवण कुमार ने कहा ठीक है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। तो उनके पिता ने कहा, नहीं बेटा रहने दो और हम बाद में। तो उनके नहीं नहीं आप लेटिए, मैं आपको आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो जब वो पानी लेने के लिए वहाँ से आगे बढ़े या आगे गए श्रवण कुमार, तो देखते हैं कि जिस जो आसपास नदी थी, चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। तो उस नदी के पास वो पहुँचे और वहाँ पे जैसे ही घड़ा पानी में लगाया तो घड़े में जब पानी जाने लगा तो वहाँ से आवाज़ आने लगी। और जैसे ही आवाज़ आने लगी तो उन्होंने सोचा कि मतलब ये कैसी है? तो उसी समय जंगल में राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए थे। राजा दशरथ शब्दभेदी बाढ़ चलाते थे। शब्दभेदी बाढ़ का मतलब है कि सिर्फ शब्दों से सुन लेते थे
कि कहाँ पे कोई जानवर है या कुछ भी है, तो वो सुन करके जो है उसी से उस शब्द भेदी बाढ़ चला देते थे। तो जैसे ही श्रवण कुमार ने वो घड़ा पानी में डाला तो उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर पानी पी रहा है। तो राजा दशरथ उसी समय जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे, तो राजा दशरथ ने बिना देखे तीर चला दिया और वो तीर जा करके श्रवण कुमार के सीने में लगा और फिर आह की आवाज़ उनके मुँह से निकलने लगी। और फिर राजा दशरथ दौड़ करके वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब क्या हुआ, पूछा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो इंसान है। फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये तो जानवर नहीं, ये तो इंसान है। और फिर उसके बाद उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ अपने इस उस पे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक इंसान को मार डाला और ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप, पर इसका कोई मतलब नहीं था। तो श्रवण कुमार ने कहा ठीक है आप, फिर उन्होंने पूछा कि कौन हो, कहाँ से, कैसे, जो भी जितनी भी सारी बातें थी उन्होंने बताया। फिर श्रवण कुमार ने बताया कि अच्छा आप मेरा एक काम कर दीजिएगा। तो राजा दशरथ ने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उनको ये बस पानी पिला दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि तो राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है मैं जंगल में जा करके उनको पानी पिला दूंगा। तो उसी समय श्रवण कुमार के प्राण निकल गए इतना कह करके कि जंगल में मेरे माता पिता अंधे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको आप ही जा करके पानी पिला दीजिएगा। वहाँ से राजा दशरथ वो मटका लेकर के चलते हैं, घड़ा, घड़ा जिसको हम बोलते हैं, घड़ा लेकर के चलते हैं। और घड़ा लेकर के जब वो उनके माता पिता के पास पहुँचते हैं तो उनके माता पिता कहते हैं बेटा बड़ी देर लगा दी आने में, क्या हुआ। फिर भी राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, इतना देर क्यों लगा दिया आने में। फिर राजा दशरथ बिल्कुल चुप ही रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जब तो उनके माता पिता कहते हैं कि जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि कौन हो, क्या, कैसे, तब तक हम लोग पानी नहीं पियेंगे। फिर हार मान करके राजा दशरथ को ये बताना ही पड़ा कि मैं ये हूँ और आपका बेटा ऐसे ऐसे हो गया है। तो उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरीके से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरीके से तुम भी अपने माता पिता के, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो उनका ये श्राप था श्रवण कुमार के माता पिता का कि जिस तरीके से मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ अपने पुत्र के वियोग में, उसी तरीके से तुम भी तड़प तड़प कर अपने बेटे के वियोग में मर जाओगे एक दिन। तो राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, और वो भारी मन से, जैसा कि हम कह सकते हैं दुखी मन से, भारी मन से वो, और फिर और उसी समय उनके श्रवण के माता पिता के प्राण निकल जाते हैं, मर जाते हैं वो लोग। फिर उनका जो भी करना था वो राजा दशरथ करते हैं। और उसके बाद वो भारी मन से, बहुत दुखी मन से वो जंगल में लौट आते हैं, सॉरी जंगल में नहीं, अपने महल में लौट आते हैं। और वो बातें उन्हें हमेशा खटकती रहती थी। लेकिन जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे और उसी बीच राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो ये कहा जाता है कि वो श्राप की वजह से, क्योंकि उन्हें श्राप दिया गया था कि श्रवण कुमार के माता पिता कि जिस तरीके से हम अपने पुत्र के वियोग में इस तरीके से तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो राम को, जब राजा राम को वनवास हुआ था और जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस वक्त राम उनके पास नहीं थे, और कहा जाता है कि अपने पुत्र के वियोग में ही राजा दशरथ तड़प तड़प कर मर गए थे। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जैसे श्रवण कुमार थे कि उन्होंने अपने माता पिता की इतनी, माता पिता की अपनी सेवा करते थे और अपने माता पिता, अंधे माता पिता को वो तीर्थ यात्रा पे ले गए और इस तरीके से। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए,
हमें उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती हैं। और फिर हम आप कैसे इस पाठ का रिवीजन लेंगे मैं आपको बता देती हूँ। और ये इस पाठ में आप माता पिता की सेवा का जो पाठ है ये लिखा गया, ये माता पिता जो होते हैं वो देवतुल्य होते हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसमें शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ आप लर्न करेंगे और उसके बाद मौखिक उत्तर दीजिए। जैसे आजकल यात्राएं किन किन साधनों से की जाती हैं, राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है और देश के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। तो उसके बाद फिर समझिए और लिखिए, जोड़ा बनाइए, विपरीत शब्द लिखिए, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, मेल कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि पहले मौखिक उत्तर दीजिए, आप लर्न करेंगे। मौखिक उत्तर का सिर्फ एक एक लाइन का आंसर है, इसको आप पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद समझिए और लिखिए। जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे अपना धनपन क्या होगा, सूना धनपन क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको उन दोनों शब्दों को मिला करके लिखना है, तो इसका भी आप रिवीजन लेंगे। उसके बाद आता है जोड़ा बनाइए, जैसे माता पिता, उसी तरीके से भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, चाचा चाची, इस तरीके से जो जोड़े दिए गए हैं ये आपको बनाना है और उसके बाद आपको लर्न करना है। फिर विपरीत शब्द लिखिए, उसका उल्टा लिखना है। उसके बाद समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो ये जितना भी एक्सरसाइज आपको बुक में दिया गया है पार्ट दो का, ये सब आपको शब्दार्थ से ले करके और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं वो सारे आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से पार्ट दो का रिवीजन पूरा हुआ।